SHO ठीक है, तो SHO जो होता है वो किसी भी पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज होते हैं उसको SHO बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। और आप लोगों ने क्या देखा वहां पे, लॉकअप भी देखा था? यस मैम। तो इसके लिए सब लोग एक साथ बड़े अच्छे से मूवीज मूवीज ऐसा लगा कि अलग लगा जैसा मूवी सीरियल्स में देखते हैं। लॉकअप में तीन चार प्रिजनर थे, क्या किया था उन लोगों ने बोलो, कुछ बताया उन लोगों ने कि उन लोगों ने क्या किया था स्पेसिफिकली, ऐसा कुछ बताया था आप लोग को? ऐसा नहीं बताया। और क्या चीज देखी आपने, आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताएं, कोई भी दो चीजें बताएं। वेपन देखे आपने जो पुलिस के पास रहते हैं? यस मैम। तो आप लोग का कोई आज जो आप SP ऑफिस देखे क्या समझे आप लोग, क्या लिंक होता है पुलिस स्टेशन SP ऑफिस, कैसे रहता है ये सारा सिस्टम? जैसे हमारा जिला बिलासपुर है, आप लोग अलग अलग जगह से आए होंगे, तो हमारे स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं कोई बताएंगे? 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो एक पुलिस डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहते हैं उनके हेड होते हैं SP, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पुलिस स्टेशन होते हैं डिपेंडिंग कि वहाँ पे एरिया कैसा है, कितनी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से पुलिस स्टेशन खोले जाते हैं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में कितने पुलिस स्टेशन है कोई बता सकते हैं? अपने किसी आप अपने एरिया का पुलिस स्टेशन बता सकते हो कौन सा है? लास्ट में आपके घर का है? इंडस्ट्रियल एरिया। अच्छा, आप लोकल ही है, तो कौन सा थाना पड़ता है आपके एरिया के लिए? हर एक जो हर एक पुलिस स्टेशन है, हमारे पास 9 पुलिस स्टेशन है, हर एक पुलिस स्टेशन को कोई ना कोई ज्यूरिसडिक्शन दी होती है, क्योंकि उससे हम लोग को कहीं ना कहीं तो लिमिट बनानी पड़ती है ना कि कोई ऑफिसर जो है वो कहाँ जाके काम कहाँ तक का काम दे सकता है, कोई भी एक जना पूरे बिलासपुर में नहीं देख सकता। तो इसलिए हम लोगों ने 9 पुलिस स्टेशन रखे हैं बिलासपुर में, उसमें से एक यूनिक पुलिस स्टेशन है, वो है विमेन पुलिस स्टेशन, जो ये महिला थाना बता रही है। तो जो एक महिला थाना है जो पूरे जिले में किसी भी एरिया का केस देख सकता है, क्योंकि उसका उसका डोमेन है विमेन रिलेटेड, जो महिलाओं के रिलेटेड या कोई बच्चों के रिलेटेड कोई क्राइम है स्पेसिफिकली विमेन पर, बच्चे भी हम लोग उसमें लेते हैं कि उनके केसेस को वो डील करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो 8 पुलिस स्टेशन है उनको कोई ना कोई एरिया डिफाइंड है, वो आमतौर पर दूसरे की जगह में जाके केस इन्वेस्टिगेशन नहीं करते जब तक कि कोई ऐसी सिचुएशन हो कि मान लो वो वहां से क्रॉस कर रहे हैं और वहां की पुलिस पहुंची नहीं है, तो ऐसा नहीं कि पुलिस चली जाएगी ये बोल के कि मेरा एरिया नहीं है, वो उसको देखेंगे। पर आमतौर पर जो केस केस की रजिस्ट्रेशन होती है वो अपने अपने थाने की ज्यूरिसडिक्शन में होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एरिया में थाना कौन सा पड़ता है। तो आप बता सकते हैं, आप बताओ मुझे आपके एरिया में कौन सा थाना पड़ता है? आप बेटा आप बताएं आपके घर